वैसे भाइयों, काफी लंबे समय के बाद Redmi के 50i पर आज अपन BGMI गेमप्ले टेस्ट करेंगे। और इस डिवाइस के ग्राफिक को अपन स्मूथ में 90 FPS रखेंगे। तो इस वीडियो पर आज अपन डिवाइस के डेड इश्यू और साथ में हीटिंग इश्यू की बात करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो को आप पूरी वॉच कीजिएगा। वैसे भाइयों, तुम्हारा भाई करने वाला है 20 के YouTube फैमिली कंप्लीट होने पर 3 स्मार्टफोन का गिव अवे, जो कि आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स करना कंपलसरी है। और साथ ही साथ Scam47 गेमिंग के इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। वैसे भाई लोग, Redmi के 50i को लेकर मैं सीधे उतर के छोटू टेम्पल के ऊपर। वैसे इस डिवाइस में आपको डायमंड सिटी 8100 का 5G चिपसेट मिलता है। यहाँ पर बंदे तो आए हैं, लेकिन किस तरफ, मेरे सबसे आगे है लुक। एक बंदा ये ना, एक और बंदा है अंदर। फिलहाल इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो है। ये रहा दूसरा बंदा, सीधे नॉक फिनिश। इस बंदे को नॉक फिनिश करने के बाद एक बोट, ये नॉक, एक और बोट है शायद। वैसे बहुत सारे भाइयों को डाउट है कि Redmi के 50i पर Poco X3 Pro की जैसे डेड इश्यू हो सकता है, और ये अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। क्योंकि भाई साहब, अगर आप 25,000 रुपीस खर्च करते हो तो ये चीज़ कम से कम 2 से 3 साल तक आपको सर्विस दे, इसीलिए करोगे। सो भाइयों, जितना मैंने इस डिवाइस को पहले यूज़ कर चुका हूँ और आगे भी यूज़ करूँगा, उसके हिसाब से इस डिवाइस पर डेड इश्यू है नहीं। देखिए एक बंदा, गजब खतरनाक, सीधे ना, सीधे फिनिश। तो भाई लोग, Poco X3 Pro की बात अलग थी और Redmi के 50i की बात अलग है। अगर आपको इस डिवाइस से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप सिंपली प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहां पर देखिए सी स्पेशल कैंपर, सीधे ना फिनिश। और जिसका भी Redmi के 50i BGMI खेलते टाइम रेंडर हो रहा है, वो प्लीज गेम स्पेस की सेटिंग कर ले। देखिए गजब सीन, किसी बंदे ने ब्रस्ट मार दिया मेरे को। यहाँ पर रिवाइव होता हूँ, रिवाइव होने के बाद ये बंदा आया केटी बनाने, सीधे ड्रॉप शॉट, ये भाई सब नॉक, सीधे फिनिश। और इस डिवाइस पर गेम स्पेस की सेटिंग कैसे करना है, इसकी वीडियो भी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। देखिए इस स्क्वाड का आखिरी बंदा, ये भाई साहब सीधे फिनिश। इस बंदे को फिनिश करने के बाद सीधे चलते अपार्टमेंट्स। लेकिन भाई साहब, बीच में, जी हाँ, ओपन पर एक बंदा था। वैसे इस बंदे का नाम देखिए, ओपी बोलते हैं। फिलहाल कोई समस्या है नहीं, ओपी पेटी बना देता हूँ इसकी। यहाँ से आगे चलते हैं सीधे ऊपर, सीधे फेरो बाबा के पास। फिलहाल देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को ना सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए फिलहाल एक बंदा है मेरे जस्ट सामने, इसके मुंह पर ग्रेनेड फेंका, गजब सीन, गिली फूक बाज, दिमाग। और पीछे एक बंदा है, अरे पीछे वो बंदा ना। यहाँ पर सुकून के साथ मैं कवर पे आया, उसके बाद रिवाइव हुआ, एक बंदा, ये ना। यहाँ से आगे चलता हूँ, मीन्स यहाँ से आगे जाता हूँ और ग्रेनेड फेंकूंगा, एक बंदा ही, ये भाई साहब सीधे फिनिश। ऊपर वाला बंदा फिनिश हुआ नहीं, ये देखिए इसके बाद गन मशीन बाज। वैसे भाई लोग, कल मैंने इस डिवाइस पर समथिंग कंटिन्यू 4 घंटे गेमिंग किया हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे इस डिवाइस पर जो भी हीटिंग इश्यू समझ में आया है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरे पास टेम्परेचर नापने वाली मशीन है नहीं, सो नेक्स्ट वीडियो पर अपन मशीन के साथ देख लेंगे। लेकिन भाई साहब, इस डिवाइस पर हीटिंग इश्यू कंटिन्यू 2 घंटे गेमिंग करने के बाद होने लगता है, मीन्स 2 घंटे के बाद थोड़ा ज़्यादा हीट करता है। क्योंकि मैंने इस डिवाइस पर कंटिन्यू 4 घंटे तक गेमिंग किया हूँ विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। लेकिन अगर आप बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी गेमिंग करते हो तो Redmi के 50i उतना ही हीट करता है जितना कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हीटिंग से कोई भी इश्यू नहीं। एक बंदा दिखा, सीधा ना, यहाँ से आगे की ओर पर 2 बंदे हैं,
देखिए फूट फूट के मार रहे लोग, ये बंदे सीधे फिनिश। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइस का जायरोस्कोप बराबर काम करता है, कोई भी समस्या ही नहीं। और साथ ही साथ 4 घंटों तक मैंने स्मूथ प्लस 90 FPS पर गेमिंग किया हूँ। यहाँ पर बंदे ही एक भैया और वो इसके बाद थोड़ा सा डैमेज, दूसरे भाई भी नॉक। मीन्स वो स्प्रेबाज ने खतरनाक तरीके से सटीक स्प्रे मारा। तो यहाँ से आगे जाता हूँ, इन स्प्रेबाजों की पेटी बनाऊंगा। साले को छोड़ूंगा नहीं। एक बंदा दिखा, ये बंदा मेरे हिसाब से उस बंदे का टीममेट है। एक बंदा नॉक, और यहाँ पर दूसरे बंदे को हमारे भाई ने फिनिश कर दिए। और यहाँ पर कोई बंदा MG3 चला रहा है, मेरे सबसे बंदा पेड़ के नीचे, क्या वो बंदा वही है? देखते हैं एक और बार। ये मेरे साथ किताब से बंदा है नहीं। जी हाँ, यहाँ से आगे चलते हैं। वैसे भैयों, मैंने डिवाइस पर ऊपर की ओर ग्रीन कलर से पीस मीटर को चालू करके रखा है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि डिवाइस किस किस जगह पर फ्रेम ड्रॉप करता है। बात तो सही है। एक नॉक वाला बंदा था, वो बंदा सीधे फिनिश। देखिए दो बग्गीबाज, एक बग्गीबाज नॉक और दूसरा बग्गीबाज मेरे जस्ट सामने है। ये दूसरा बग्गीबाज सीधे फिनिश। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ से मैच पर आगे रेडमी K50i की असली परफॉर्मेंस आपको पता चलेगी। मैच की आखिरी फाइट देखिए, सामने की ओर पर चारों बंदे हैं। एक बंदा दिखा, ये झाड़ के पीछे, देखिए डिवाइस का फायर रेट। ये बंदा ना, और यहाँ से आगे एक बंदा घर के पीछे है, दूसरा बंदा आगे वाली दीवार के पीछे, देखिएगा एक बंदा डैमेज। ये दूसरा बंदा आया, ये पीछे वाला बंदा भी नॉक। हैकर, हैकर। तो यहाँ से आगे जाता हूँ, तुरंत से पहले बंदों की पेटियां बनाऊंगा। एक बंदा फिनिश, दूसरा बंदा फिनिश, और यहाँ पर फिनिश। चीटिंग करता है तू। ये चौथा बंदा आया कहाँ से, रोटेशन मार के। वैसे ये था इस मैच का चतुर चालाक सातिर बंदा। अभी हम जिंदा हैं। तो भाई साहब, रेडमी K50i की इस वीडियो पर मैंने आपके डाउट्स को कवर किया था। फिलहाल तो गर्मी का टाइम आ चुका है, इसलिए डिवाइस पर हीटिंग इश्यू हो रहा है, लेकिन हीटिंग इश्यू से आपको कोई भी समस्या होगी नहीं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।